सास का हमारा टॉपिक है। हम अपनी नेटफ्लिक्स वेबसाइट का क्लोन डिजाइन कर रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने हेडर वाले सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसके हीरो वाले सेक्शन को डिजाइन करने वाले हैं। ये जो हमारा हेडर सेक्शन है, ये पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है, जैसे सेम नेटफ्लिक्स की वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। अब इस वाले पार्ट को हम डिजाइन करने वाले हैं, जिसको हम हीरो सेक्शन बोलते हैं। अगर इसके ऊपर सबसे पहले, ये हमारी नेटफ्लिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं कि यहाँ पर जो हीरो वाला सेक्शन है किस प्रकार से डिजाइन किया गया है। अगर इसके ऊपर हम आते हैं तो इस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो एक ड्यू लिया गया है जो कि पूरे के पूरे हीरो सेक्शन को कंटेन करके रखा हुआ है। यहाँ पर इस ड्यू को हम क्लास दे सकते हैं हीरो नेम की, और इस ड्यू के अंदर अगर आप आते हैं तो एक एच वन हेडिंग है और यहाँ पर एक पैराग्राफ है जिसको टॉप से थोड़ा सा मार्जिन दी गई है 16 पिक्सल्स के इक्वल। उसके बाद यहाँ पर अगर आप आते हैं तो ये पूरा का पूरा एक फॉर्म है, यहाँ पर एक फॉर्म लिया गया है। इस फॉर्म के अंदर अगर आप देखते हैं तो एक S3 हेडिंग ली गई है और यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स लिया गया है यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर एक बटन टैग लिया गया है। तो इस प्रकार से जो हमारा हीरो वाला सेक्शन है ये कंप्लीट किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एक चीजें हम यहाँ पर HTML का कोड लिख लेते हैं, यानी कि सबसे पहले एक ड्यू को क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और अभी के लिए HTML के अंदर आएंगे, और यहाँ से हमारा हेडर सेक्शन एंड हो चुका है। और इसके जस्ट बाद हमारा जो हीरो वाला सेक्शन है, यहाँ से हम दे देते हैं कमेंट हीरो सेक्शन स्टार्ट इस प्रकार से। और इसके अंदर सबसे पहले हम एक ड्यू लेने वाले हैं जिसको हम हीरो नेम की क्लास देने वाले हैं इस प्रकार से। और इसके अंदर हमें पता है सबसे पहले एक H1 हेडिंग है, और इसके बाद हमारे पास क्या है, एक पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ के बाद हमारे पास क्या है, एक फॉर्म है, और उस फॉर्म को एक ड्यू के अंदर रखा गया है। यहाँ से सबसे पहले चीजें हम चेक कर लेते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, एक फॉर्म है। यहाँ से ये पूरा का पूरा, यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक फॉर्म है, और इस फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको फॉर्म टैग के अंदर रखने वाले हैं। और इसके अंदर ये दोनों चीजें अगर आप देखते हैं तो एक इंडिविजुअल ड्यू के अंदर रखी गई हैं, जो हमारा इनपुट है और जो हमारी बटन है। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लेने वाले हैं अपने एक फॉर्म को, फॉर्म टैग को। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ से हम ले लेते हैं एक फॉर्म टैग को, और इस फॉर्म टैग के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो यहाँ पर एक्शन होता है इसके अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। और फॉर्म के अंदर अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक S3 हेडिंग है। तो यहाँ से हम एक S3 हेडिंग ले लेते हैं। उसके बाद हमारे फॉर्म के अंदर क्या है, एक इंडिविजुअल ड्यू क्रिएट किया गया है। इस ड्यू को हम इन्फो नेम की क्लास नेम दे देते हैं, और इस ड्यू के अंदर हमारे पास क्या है, एक इनपुट एलिमेंट है, और इसके बाद हमारे पास क्या है, एक बटन एलिमेंट है। इस प्रकार से दो चीजें ऐड की गई हैं। अब इसके अंदर हम कंटेंट को रखने वाले हैं। सबसे पहले अपनी H1 हेडिंग के अंदर जो कंटेंट है इसको रख लेते हैं। तो यहीं से सेम कंटेंट को हमने कॉपी कर लिया, इसको हम कर लेंगे यहां से कॉपी, और यहां पर आकर के हम कर देंगे इसे पेस्ट। उसके बाद यहां से हम सेम लाइन के ऊपर रखेंगे इसको, एक सिंगल लाइन पे ही सेव करेंगे। और यहाँ से अगर हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं सारी चीजें आ रही हैं, यानी कि इनपुट बॉक्स भी, इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन हमारी जो यहाँ पर हेडिंग है वो क्या हो चुकी है, आ चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा ये पैराग्राफ है इसको मैंने कॉपी किया इस टेक्स्ट को, और यहाँ पर ला करके हमने क्या कर दिया, इसे भी पेस्ट कर दिया। और इसके बाद हम अपने फॉर्म के अंदर अगर आते हैं तो यहाँ पर S3 हेडिंग है, S3 हेडिंग के अंदर जो कंटेंट है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर आकर के इसे भी हम करने वाले हैं पेस्ट, कंट्रोल वी, और इसे हम कर देंगे सेव। और यहाँ से आएंगे पेज को करेंगे रिफ्रेश, तो इस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं, थोड़ा सा जूम अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर सारा का सारा टेक्स्ट क्या हो चुका है, हमारा ऐड हो चुका है। अब यहाँ से एक बटन आपको डिस्प्ले हो रही है, सेम इसी प्रकार से अगर आप देखते हैं इस बटन के बाद यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स है। तो अब इन दोनों के लिए भी हम जो भी कंटेंट है उसको हम रखने वाले हैं 100% पे आ जाते हैं जूम, और यहाँ पर आते हैं सबसे पहले जो हमारा इनपुट है। इनपुट के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसका जो टाइप है हमें ईमेल लेना है, तो यहाँ से इसका टाइप हमने ले लिया ईमेल। और उसके बाद इसके अंदर एक प्लेस होल्डर लिया गया है, प्लेस होल्डर के अंदर हमने क्या ऐड किया हुआ है, ईमेल एड्रेस। इस प्रकार से हमने प्लेस होल्डर ऐड कर दिया। और यहाँ पर जो हमारी बटन है, इस बटन को हम एक इंडिविजुअल क्लास दे देते हैं, क्लास हमने क्या दे दिया इसको, BTN नेम की क्लास दे दिया। और इसके बाद जो हमारी बटन है ये है गेट स्टार्टेड, यहां से हमने
अपनी बटन का नेम दे दिया और इसे हमने कर दिया सेव। सेव करने के बाद यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से सारी चीजें क्या हो गई हैं, ऐड हो चुकी हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ईमेल एड्रेस सेम तरीके से यहाँ पर क्या आ चुका है, ईमेल एड्रेस, और उसके बाद यहाँ पर क्या है गेट स्टार्टेड की एक बटन आ चुकी है। लेकिन इसके साथ में यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एक यहाँ पर आइकन ऐड किया गया है जो कि ट्रायंगल के शेप में ही है। एंगल यहाँ पर अगर आप देखते हैं लेफ्ट या राइट करके है तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पर आकर के हम इस एंगल को सर्च कर लेते हैं। सबसे पहले ये एंगल क्या होने वाला है, एंगल राइट है हमारा, तो हम ले लेते हैं एंगल राइट। इस प्रकार से हमने इसको क्या कर लिया, यहाँ से सर्च कर लिया और ये एंगल राइट का हमारे पास आइकन आ चुका है। इस पे मैंने क्लिक किया, इसका जो कोड है इसको हमने कर लिया यहाँ से कॉपी और आएंगे अपने बटन के अंदर, यहाँ पर कर देंगे इसे पेस्ट। इस प्रकार से अब हमारे पास जो आइकन है ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये भी क्या हो गया, यहाँ पर ऐड हो चुका है और ये बटन क्लिकेबल है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, सारी चीजें हमने ऐड कर दी बट यहाँ पर अगर आप एक चीज देखते हैं तो लाइनों के बीच में काफी ज्यादा स्पेस है, तो थोड़ा सा स्पेस लाने के लिए हम यहाँ पर वीआर टैग का यूज कर सकते हैं सिंपल सा एचटीएमएल के अंदर ही। तो पैराग्राफ के बाद हम चाहते हैं कि फॉर्म जब आए तो उस कंडीशन पे स्पेस हो, तो यहाँ से हमने वीआर टैग को यूज कर लिया, और चाहते हैं एक लाइन का स्पेस और आ जाए तो एक बार और वीआर टैग को ऐड कर लिया यहाँ पर, और पेज को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस क्या हो गई है, सेम तरीके से यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या चाहते हैं, जो हमारा फॉर्म है इस फॉर्म के अंदर इन दोनों के बाद भी यहाँ पर क्या है थोड़ा सा स्पेस है, यानी कि S3 हेडिंग है उसके बाद स्पेस है, फिर हमारा जो इनपुट एलिमेंट है वो आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं S3 हेडिंग जो है, इसके बाद हम यहाँ पर VR टैग को वन टाइम यूज कर लेते हैं और एक टाइम और ले लेते हैं, यहाँ पर इक्वल स्पेस हम देना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी हम दे सकते हैं, या फिर आप पैडिंग मार्जिन देकर के भी कवर कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सिंपल सा इतनी चीजें ऐड कर दी हैं। तो ये हमारा जो HTML का पार्ट था हमारे हीरो वाले सेक्शन का वो क्या हो गया है, कम्प्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो HTML है ये क्या हो जाती है, यहीं पर फिनिश हो जाती है, यानी कि जो हमारा हीरो सेक्शन है ये क्या हो गया, यहाँ से हीरो सेक्शन इंड, यहाँ से हमारा हीरो सेक्शन क्या हो चुका है, इंड हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज और नोटिस करते हैं तो यहाँ पर एक लाइनिंग भी आ रही है, इसको हम अभी थोड़ी देर बाद डिजाइन करने वाले हैं, अभी के लिए हम अपने हीरो वाले सेक्शन पे सिंपल सा ध्यान देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके लिए स्टाइलिंग सेट करनी है, तो सबसे पहला जो हीरो सेक्शन है इसके लिए हमें स्टाइलिंग करनी होगी, तो इसको हम नोटिस कर सकते हैं क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक पोजीशन दे देंगे कि रिलेटिव देने वाले हैं, ताकि इसी के रिलेशन में क्या हो सारी चीजें सेट हों। यहां से हम इसको चेक भी कर सकते हैं, तो यहां पर आएंगे जो इसकी CSS है इसके अंदर अगर आते हैं तो इसको फ्लैक्स बेसिस दिया गया है, पैडिंग दी गई है, जेड इंडेक्स सेट किया गया है, इसकी विड्थ जो होने वाली 100% सेट की गई है। इस प्रकार से यहाँ पर जो जो चीजें यहाँ पर सेट की गई है, इंप्लीमेंट की गई है, आप यहाँ से आकर के चेक भी कर सकते हैं, बट हम अपने हिसाब से इसको डिजाइन करने वाले हैं और सेम लेआउट में ये डिजाइन होगी हमारी वेबसाइट। तो अभी के लिए कुछ इस प्रकार से, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सेंटर में ले आना है। तो सेंटर में लाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं CSS के अंदर, और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमारा हीरो वाला सेक्शन होता है, हीरो सेक्शन स्टार्ट हमने कर दिया, और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो हमने क्लास दी हुई है पूरा का पूरा जो हमारा कंटेनर है ये वाला है, यानी कि इसी ड्यू के अंदर सारा का सारा कंटेंट हमारा रखा गया है हीरो सेक्शन का। तो ये हीरो नेम की हमारे पास क्या है, क्लास है, तो इस क्लास को हमने सेलेक्ट किया। सबसे पहले इसको हम एक पोजीशन देने वाले हैं, पोजीशन हमने दे दिया रिलेटिव। अब जैसे ही पोजीशन हमने इसको रिलेटिव दिया, उस कंडीशन पे क्या होगी, जो हीरो वाला सेक्शन है इसी के रिलेशन में ये सारी चीजें क्या होने वाली है, सेट होने वाली है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको सेंटर में लाना चाहते हैं, तो टॉप से हमने इसको कर दिया 50% एंड इसे सेव करेंगे और यहाँ पर आते हैं पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो टॉप से क्या हो गया है, ये 50% सेंटर की साइड में आ चुका है। अब लेफ्ट से भी हम इसे सेंटर करना चाहते हैं, तो लेफ्ट से भी हमने पोजीशन दे दिया 50% और सेव करेंगे, पेज को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं ये सेंटर में आ चुका है, लेकिन ये राइट साइड को थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है। इस कंडीशन पे अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ऐड करने वाले हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को, और इसको हम करने वाले हैं ट्रांसलेट, एक्स एक्सेस के थ्रू माइनस का 50% कर देंगे एंड वाई एक्सेस के थ्रू माइनस का 50% कर देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा।
अब ये किसके सेंटर में आ रहा है, जो पूरा का पूरा कंटेनर है उसका बिल्कुल सेंटर पोजीशन ये ले रहा है, लेकिन हमने इसको पोजीशन दी हुई है रिलेटिव, तो इस कंडीशन पे हम इसको एक विड्थ देने वाले हैं, जो भी विड्थ होगी उसका बिल्कुल ये सेंटर पोजीशन लेने वाला है। तो यहाँ पर आएंगे और इसकी विड्थ हमने क्या कर दी है, यहाँ पर 70% के इक्वल सेट करने वाले हैं और सेव करेंगे पेज को, यहां से करने वाले रिफ्रेश। तो ये बिल्कुल क्या हो गया, सेंटर में आ चुका है, लेकिन अभी आपको लग रहा है यहाँ पर जो 70% विड्थ है उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा है। इसको इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये जो हमारा कंटेंट सेक्शन है इसकी जो विड्थ है बिल्कुल ये सेंटर में है, और जो हमारा टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पर स्टार्टिंग से यानी लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है। अदरवाइज ये पूरा का पूरा जो हमारा हीरो सेक्शन वाला डिव है ये बिल्कुल सेंटर में क्या हो चुका है, आ चुका है। अगर हम इसको एक कलर दे दें तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, जैसे बैकग्राउंड कलर दिया, यहाँ पर हम डिव को सेंटर में ला रहे हैं ना कि उनके जो भी टेक्स्ट हैं उसको हम सेंटर में करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। तो जब हमारा डिव सेंटर में आ जाएगा तो उस कंडीशन पे जितने भी टेक्स्ट होंगे उसको हम ऑटोमेटिकली सेंटर में कर सकते हैं। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये जो हमारा डिव है अगर हम यहाँ से इंस्पेक्ट से इसको हटाते हैं तो उस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं 100% पे रखने वाले हैं इसको तो ये बिल्कुल क्या हो चुका है, सेंटर में आ चुका है। 70% की विड्थ हमने दी हुई है इस कंडीशन पे, यहाँ पर साइड साइड से क्या हो रही है, लेफ्ट एंड राइट साइड से स्पेस भी हमारे पास क्रिएट होकर के आ रही है। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसके लिए हम स्टाइलिंग सेट करने वाले हैं, तो इस कलर को हम यहाँ से हटा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ हमने समझने के लिए लिया हुआ था कैसे आपको पता चले। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से जो हीरो वाला सेक्शन था इसके लिए हमने स्टाइलिंग तो सेट कर दी, यानी कि इसको हमने सेंटर में पोजीशन सेट कर दी है, जो हमारा पूरा का पूरा क्या था, ये कंटेनर था, कंटेनर जो डिव था। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, H1 हेडिंग है, तो यहाँ पर आ जाते हैं और जो हमारा हीरो वाला सेक्शन है इसके अंदर जो हमारी H1 हेडिंग है इसके लिए हमें क्या करना है, जो H1 हेडिंग है सबसे पहले यहाँ पर स्टाइलिंग को हम चेक करने वाले हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो सेम तरीके से हमने यहाँ पर विड्थ भी दे दिया है, ये विड्थ अगर आप देखते हैं तो सेम तरीके से क्या हो चुकी है, मिल चुकी है पूरे के पूरे डिव को। अब यहाँ पर जो H1 हेडिंग है इसका जो फॉन्ट साइज है 48 pixels के इक्वल है, तो यहाँ पर फॉन्ट साइज हम क्या रखने वाले हैं, सेम फॉन्ट साइज यूज करेंगे। फॉन्ट साइज हमने यहाँ पर क्या यूज कर लिया, 48 pixels यानी 4.8 रैंक के इक्वल इस प्रकार से, और इसे हम सेव करेंगे पेज को, आ जाते हैं यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं जो फॉन्ट है वो क्या हो चुका है, यहाँ पर उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो चुका है, और ये फॉन्ट जो है ये काफी ज्यादा बोल्ड है, तो इस कंडीशन पे हम फॉन्ट वेट यूज कर सकते हैं। फॉन्ट वेट हम यहाँ पर रख सकते हैं, इसको यहाँ पर बोल्डर रख सकते हैं, इस प्रकार से आप इसको बोल्डर भी कर सकते हैं या फिर अपनी मर्जी से कोई वैल्यू सेट कर सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो इस कंडीशन पे क्या हो चुका है, बोल्ड हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, हम इसको सेंटर में लाना चाहते हैं, तो इस कंडीशन पे टेक्स्ट अलाइनमेंट हम क्या सेट कर सकते हैं, सेंटर, यहाँ से सेव करेंगे पेज को, कर देंगे रिफ्रेश। अब ये क्या हो चुका है, सेंटर में हो चुका है। अब इसको देख करके आपको ये लग रहा होगा कि जो हमारा टेक्स्ट है बिल्कुल सेंटर पोजिशन पे क्या हो चुका है, आ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, जो पैराग्राफ है इन सभी के लिए भी स्टाइलिंग हमें करनी है सेट। पैराग्राफ के लिए स्टाइलिंग को सेट कर लेते हैं, तो इसके लिए हम लेने वाले हैं जो हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ को पी टैग दिया हुआ है हमने यहाँ पर, तो ये आ जाते हैं हम अपने हीरो सेक्शन के अंदर। और इस हीरो सेक्शन के अंदर क्या है, जो हमारा पैराग्राफ है इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसका फॉन्ट साइज जो भी है हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और इसका फॉन्ट का साइज जो है 24 pixels के इक्वल है, तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं जो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है इसका, और 2.4 रिम के इक्वल सेट कर देंगे। ये क्या सेट हो जाएगी, 24 pixels के इक्वल सेट हो जाएगी। रिफ्रेश करेंगे तो इसका फॉन्ट साइज यहाँ पर क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। इसके लिए भी टेक्स्ट अलाइनमेंट हम क्या करने वाले हैं, सेंटर करने वाले हैं यहाँ से, और इसके लिए भी हम सेट कर देते हैं जो फॉन्ट वेट होता है, तो इसको फॉन्ट वेट हम सेट करने वाले हैं यहाँ पर अराउंड, इसको हम ले लेते हैं थोड़ा सा उससे कम लेंगे जो हमारा बोल्डर है, यहाँ पर इसको हम रख सकते हैं 600 के इक्वल, और पेज को करेंगे रिफ्रेश। तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं ये भी फॉन्ट क्या हो चुका है, यहाँ पर बोल्ड हो चुका है। इसको हम बोल्डर की जगह यहाँ पर कोई एक वैल्यू सेट कर देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए हमें कि इसको क्या वैल्यू दे रहे हैं और इसको क्या दे रहे हैं। तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से क्या हो गया है, यहाँ पर जो हमारा पैराग्राफ था वो भी आ चुका है। अब हमारे पास क्या है, जो हमारा फॉर्म है उसके लिए हमें स्टाइलिंग सेट करनी है, तो यहाँ पर आ जाते हैं और इसके बाद पैराग्राफ के जस्ट बाद हम आने वाले हैं जो फॉर्म के अंदर हमारी S3 हेडिंग है, तो हीरो सेक्शन के अंदर आएंगे और इसके अंदर जो हमारा फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर हमारे पास S3 हेडिंग है, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये फॉर्म के अंदर हमारी क्या है, S3 हेडिंग है।
तो इसके लिए हम सेट करने वाले सबसे पहले इसका फॉन्ट का साइज चेक कर लेते हैं। तो यहां से आएंगे, इसका फॉन्ट का साइज जो है वो क्या है, 20 pixels के इक्वल है, यानी कि उससे भी थोड़ा सा कम है। तो यहां पर हम इसको देने वाले हैं फॉन्ट साइज यहां पर 2 rem के इक्वल यानी 20 pixel, और इसे भी कर देंगे सेव। पेज को करेंगे यहां से रिफ्रेश, तो इस कंडीशन पे देख सकते हैं ये भी क्या हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है। और इसके लिए हम सेट करने वाले हैं टेक्स्ट अलाइन, इसको हम कर देते हैं सेंटर और रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर सारी चीजें क्या हो गई हैं, बिल्कुल सेंटर में आ चुकी हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट इसको हमने क्या कर दिया है, सेंटर कर दिया है। अब इसके जस्ट बाद हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर S3V स्टाइलिंग हो गई है। इसके बाद हमारे पास ड्यू आता है जिसके अंदर हमारे इनपुट एलिमेंट्स है और बटन है, तो इसको हमने एक क्लास नेम दिया हुआ है इन्फो नेम की, जो कि किसके अंदर आ रहा है, यहाँ पर जो हमारा हीरो सेक्शन है उसके अंदर जो फॉर्म है उसके जस्ट अंदर ही हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर इन्फो वाली क्लास आ रही है। तो इसको हम ले लेते हैं, जो हीरो सेक्शन है इसके अंदर जो हमारा फॉर्म है उसके जस्ट अंदर ही हमारे पास क्या है, जो इन्फो क्लास है। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर इन्फो क्लास के लिए हम स्टाइलिंग देने वाले हैं, तो इन्फो क्लास को हमने यहाँ पर ले लिया है। सबसे पहले हम सेम लाइन के अंदर लाने के लिए, यानी कि ये दोनों चीजें जो है हमारे पास, ये दोनों जो हमारे पास बटन है इनपुट एलिमेंट है, वैसे तो ये सेम लाइन पे है, फिर भी हम इसको क्या कर देंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स सेट करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने डिस्प्ले क्या सेट कर दिया, इसके लिए फ्लैक्स सेट कर लिया। अगर आप यहाँ पर फॉर्म को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं डायरेक्टली। हीरो सेक्शन के अंदर जो इन्फो वाला ड्यू है उसको भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा। जस्टिफाई कंटेंट हम यहाँ पर करने वाले हैं सेंटर, और इसके बाद हम अलाइन आइटम्स भी कर देंगे यहाँ से सेंटर। उसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, सेव करेंगे, सबसे पहले चेक करते हैं चीजों को, रिफ्रेश करेंगे, और इन दोनों के बीच में अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर थोड़ा सा गैप क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, अराउंड 10 pixels के इक्वल हम समझ सकते हैं ये गैप है, या फिर उससे कम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम गैप प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसको 1 rem के इक्वल हमने क्या सेट कर दिया, यहाँ पर गैप को सेट कर दिया। सेव करेंगे और यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेम गैप क्या हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, गैप के बाद यहाँ पर आते हैं, और इसके लिए हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर आप देखते हैं तो ये पूरा का पूरा जो हमारा ड्यू है इसके लिए मार्जिन सेट की गई है। मार्जिन जो सेट की गई है वो क्या सेट की गई है, यहाँ पर जो मार्जिन है वो अगर आप देखते हैं तो लेफ्ट साइड से यहाँ पर 16 pixels के इक्वल मार्जिन है, और टॉप साइड से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक मार्जिन दी गई है यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट टॉप साइड से जो है वो 16 pixels के इक्वल मार्जिन दी गई है, लेफ्ट एंड राइट साइड से ऑटो मार्जिन दी गई है, जो बॉटम साइड से मार्जिन है वो क्या है, 0 pixels के इक्वल सेट की गई है। तो सेम मार्जिन को भी हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, तो मार्जिन हमने क्या दे दिया, टॉप से जो मार्जिन मिलने वाली है वो 16 pixels के इक्वल यानी 1.6 rem के इक्वल, एंड लेफ्ट एंड राइट साइड से हम चाहते हैं ऑटोमेटिकली हो, यानी कि ऑटो, और उसके बाद बॉटम साइड से 0 सेट होनी चाहिए। सेव करेंगे, पेज को यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, अब आप देख सकते हैं सेम मार्जिन यहाँ पर क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, मार्जिन के बाद हम इसके लिए इंडिविजुअल विड्थ को भी सेट कर लेते हैं, जो हमारी ये पूरी की पूरी बटन है, तो इसके लिए हम यहाँ पर विड्थ को सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और इसकी विड्थ को हमने सेट कर दिया 55% के इक्वल, और सेव करेंगे, पेज को यहाँ से करने वाले हैं रिफ्रेश, तो इसकी विड्थ सेट हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो इसकी विड्थ अभी आपको डिस्प्ले नहीं हो रही है, अगर हम इसके लिए एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर मान लीजिए हमने यहाँ पर रख दिया येलो, सेव करेंगे, इस कंडीशन पे रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इसके लिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको जो स्पेस मिली है वो थोड़ा सा कम मिली है, जो हमारा टेक्स्ट है इसकी जो यहाँ पर विड्थ है वो काफी ज्यादा है, लेकिन इसकी जो विड्थ है यहाँ पर जो हमारे पास ये फॉर्म है इसकी विड्थ क्या है, कम है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर क्या किया है, जो हमारा फॉर्म है यानी कि जहाँ पर हमने इन्फो क्लास यूज किया हुआ है उसके लिए हमने यहाँ पर जो विड्थ यूज किया हुआ है वो आप देख सकते हैं, इसकी विड्थ को हमने क्या कर दिया है, थोड़ा सा कम कर दिया है इस कंडीशन पे, ताकि सेम तरीके से जो हमारे यहाँ पर बटन्स हैं, इनपुट एलिमेंट्स हैं, वो अरेंज हो सके। तो यहाँ पर हमने एक बैकग्राउंड कलर दे दिया है, और यहाँ पर हम देने वाले हैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को हम करने वाले हैं हिडन, इसको सेव करेंगे और पेज को करेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद अब हमारे पास क्या आ जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है इसके अंदर इनपुट एलिमेंट। अब इसके लिए स्टाइलिंग सेट कर लेते हैं
राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट और यहाँ पर आएंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर हीरो सेक्शन है, इस हीरो सेक्शन के अंदर जो हमारी इन्फो ग्लास है, इसके अंदर जो हमारा इनपुट एलिमेंट है, इसके लिए हमें क्या करना है, इनपुट एलिमेंट के लिए सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो इसको एक पैडिंग दी गई है। पैडिंग क्या दी गई है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो टॉप से जो पैडिंग दी गई है वो यहाँ पर ज्यादा दी गई है, यानी 24 पिक्सल्स के इक्वल। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो लेफ्ट एंड राइट साइड से जो पैडिंग मिली हुई है वो 16 पिक्सल्स के इक्वल मिली हुई है, बॉटम से 8 पिक्सल्स के इक्वल। तो इस सेम पैडिंग को हम यहाँ पर देने वाले हैं, तो सबसे पहले पैडिंग लेंगे और टॉप साइड से जो पैडिंग दी गई है वो क्या दी गई है, 16 पिक्सल्स 1.6 रेम के इक्वल। लेफ्ट साइड से, लेफ्ट एंड राइट साइड से सेम पैडिंग दी गई है, तो यहाँ पर हम टॉप एंड बॉटम से सेम पैडिंग देने वाले हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड से सेम पैडिंग रख लेते हैं 2.4 रेम के इक्वल लगभग, इतना हम सेट कर लेते हैं। हम अपने हिसाब से इस बटन को यानी कि इनपुट बॉक्सेस को डिजाइन करने वाले हैं, तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये डिजाइन हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसका फॉन्ट साइज अपने हिसाब से सेट करेंगे, तो फॉन्ट साइज अराउंड 16 पिक्सल्स 1.6 रेम के इक्वल हम सेट कर लेते हैं यहाँ पर, और इसे हम कर देंगे सेव, पेज को कर देंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर इसका फॉन्ट साइज क्या हो गया है, इंक्रीज हो चुका है। अब इसके बाद हम टेक्स्ट अलाइनमेंट को करने वाले हैं, यहाँ से स्टार्ट बिल्कुल स्टार्टिंग में लाना चाहते हैं, वैसे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर इसको हम स्टार्ट कर देंगे, वैसे तो ये जहाँ तक यहाँ पर क्या है स्टार्ट में ही है, रिफ्रेश करेंगे तो ये स्टार्टिंग में ही है, तो इसको देने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर इसको हम हटा भी सकते हैं। अब इसके लिए हम सेट करने वाले हैं बॉर्डर, बॉर्डर यहाँ पर क्या सेट कर देते हैं हम इसको 0.1 रिम यानी कि 1 पिक्सल्स के इक्वल, वो भी सॉलिड होना चाहिए, और इसका कलर क्या होना चाहिए, ग्रे कलर सेट कर देंगे, सेव करेंगे और यहाँ से पेज को कर देंगे रिफ्रेश। तो बॉर्डर सेट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसको राउंडेड बनाना चाहते हैं, तो बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं 0.5 रेम के इक्वल, सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर बॉर्डर रेडियस भी ऐड हो चुकी है। अब इसके बाद आ जाते हैं, बॉर्डर रेडियस के बाद हम चाहते हैं कि इसकी फुल विड्थ होनी चाहिए, यानी फ्लैक्स प्रॉपर्टी हम इसको 1 दे देते हैं, यानी कि जितनी एक्स्ट्रा स्पेस होगी सारी स्पेस इसको मिल जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं अभी इस बटन के लिए कोई स्पेस नहीं दी गई है, तो इसने पूरी की पूरी जितनी इसकी विड्थ थी, हमने जितनी भी 55% के इक्वल विड्थ को यहाँ पर रिजर्व किया हुआ था, उस कंडीशन पे इसने क्या कर लिया है, पूरी विड्थ को ऑक्युपाई कर लिया है। और जैसे ही ये क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही इसकी विड्थ क्या होगी, कम होगी, उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिस्पॉन्सिव ही हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस वजह से हमने इसके लिए प्रॉपर्टी क्या सेट कर दी है, फ्लैक्स 1 सेट कर दी है। और सेम तरीके से यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं तो सेम तरीके से क्या हो रही है, चीजें डिक्रीज हो रही हैं, सेम वैसे ही हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। अब इसके बाद फ्लैक्स 1 हमने इसको सेट कर दिया है। अब यहाँ पर आते हैं और इसके लिए हम करने वाले हैं जो भी टेक्स्ट का कलर होगा, यानी जो चीजें हम इनपुट करेंगे उसका कलर क्या होगा, उसका कलर हम व्हाइट करना चाहते हैं। इससे पहले अगर अभी हम रिफ्रेश नहीं करते हैं और यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं तो यहाँ पर इसका कलर जो है बाय डिफॉल्ट वो कैसा है, ब्लैक है, लेकिन जैसे रिफ्रेश करेंगे अब इसके अंदर जो भी चीजें हम लिखेंगे वो हमें डिस्प्ले नहीं हो रही है, क्योंकि इसका जो टेक्स्ट का कलर हो चुका है वो हमने क्या कर दिया है, व्हाइट कर दिया है। अब इसके लिए जो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हमने दिया था, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड कलर होने वाला है वो ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। यहाँ पर अगर इसका कलर आप देखते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट सा कलर है, अभी के लिए हमने इसको कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं दिया है। अब यहाँ पर हम इस इनपुट बॉक्स के लिए बैकग्राउंड कलर देने वाले हैं, जो कि क्या होगा, RGBA में हम देंगे इसको, और ये कलर सेम होने वाला है इसी कलर में, ब्लैक में, और इसकी ओपेसिटी को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा डाउन कर दिया है। रिफ्रेश करेंगे तो सेम तरीके से क्या हो गया है, ऐड हो चुका है। अब इसके बाद ये इनपुट बॉक्स जो है हमारा सिमिलर तरीके से यहाँ पर इसी के स्टाइल में क्या हो गया है, डिजाइन हो चुका है, लेकिन इसके अंदर ये जो प्लेस होल्डर ऐड किया हुआ है ईमेल एड्रेस का, इसका जो कलर है वो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो व्हाइट कलर है, तो इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। जब भी हमें प्लेस होल्डर का कलर चेंज करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हीरो सेक्शन के अंदर जाएंगे, इनपुट क्लास, और इसके अंदर जो हमारा इनपुट एलिमेंट है, और इस इनपुट एलिमेंट के अंदर जो हमारे पास क्या है, प्लेस होल्डर है, तो यहाँ पर हम प्लेस होल्डर टाइप करेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना है, जो इसका टेक्स्ट का कलर है उसको हम कर देना चाहते हैं ग्रे, कर सकते हैं हम इसको सिंपल सा
व्हाइट ना करके पूरा इसको हम ग्रे करेंगे, क्योंकि जो भी इनपुट करेंगे वो कैसा होगा, व्हाइट में होगा। तो आप देख सकते हैं सिमिलर तरीके से यहाँ पर चीजें क्या हो गई हैं, ऐड हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा इनपुट बॉक्स है ये पूरी तरह से डिजाइन हो चुका है, लेकिन अब हमारे पास क्या बचती है, जो हमारी बटन है। अब इस बटन के लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा पैडिंग ऐड करेंगे और इसका जो टेक्स्ट है उसको भी हम इंक्रीज करेंगे। इसका टेक्स्ट इस इनपुट बॉक्स से क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर इनपुट बॉक्स के बाद हमारे पास बटन आती है। इसको हमने एक क्लास दिया हुआ है BTN नेम की, इस क्लास को हम लेने वाले हैं। तो यहाँ पर आएंगे और इस हीरो सेक्शन के अंदर हेडर नहीं होगा हमारे पास, यहाँ से हीरो सेक्शन, और इसके अंदर जो हमारी इन्फो क्लास है, इसके अंदर जो हमारी क्लास है BTN नेम की, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से सबसे पहले इसको हम डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, यानी कि इसका जो डिस्प्ले होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर ब्लॉक होगा। और रिफ्रेश करेंगे तो इसका डिस्प्ले हमने सेट कर दिया है टू ब्लॉक। और इसके बाद हम इसके लिए स्टाइलिंग ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले इसका जो फॉन्ट का साइज है उसको हम थोड़ा सा बड़ा रखने वाले हैं। इसका 1.6 rem के इक्वल, सॉरी यहाँ पर 1.6 rem के इक्वल था जो हमारा इनपुट था, इसका फॉन्ट का साइज हम कर देते हैं 2 rem के इक्वल अराउंड, थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे और इसे सेव कर देंगे। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारी जो बटन है इस तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। और इसके बाद हम सेट करने वाले हैं इसका जो फॉन्ट वेट है उसको भी हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। फॉन्ट वेट 600 सेट कर दिया हमने। और इसके बाद इसको हम एक पैडिंग दे देते हैं, सेम पैडिंग टॉप एंड बॉटम से हम ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए जो हमने पैडिंग दी थी 1.6 rem के इक्वल थी, सेम पैडिंग को हम यहाँ पर दे करके एक बार देखते हैं, सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो सेम पैडिंग पे ये बटन थोड़ी सी बड़ी दिख रही है। तो इस कंडीशन पे जो इसकी पैडिंग है हम यहाँ से थोड़ा सा क्या करने वाले हैं, कम करने वाले हैं। जहाँ पे 6 किया है वहाँ पर 4 करके देखते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो अब ये चीज़ें क्या हो रही हैं, सही से यहाँ पर शो हो रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके लिए भी सेम बॉर्डर रेडियस और यहाँ पर बॉर्डर भी हमें देना होगा। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बॉर्डर का कलर है इस कलर को हमें चेंज करना होगा। इसका कलर हम रखना चाहते हैं सेम बटन के कलर में, और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा इसको भी हम चेंज कर देंगे। ये सेम कलर होने वाला है बैकग्राउंड का, ये वाला। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसका जो कलर होगा टेक्स्ट का उसको हम सेट करने वाले FFF यानी व्हाइट के इक्वल। और इसके बाद इसको हम करते हैं सेव, पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं सिमिलर तरीके से जो हमारी बटन है ये क्या हो रही है, डिज़ाइन हो रही है। अब यहाँ पर तो हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर जैसे ही हमने हैंड का सिंबल ऐड किया हुआ था उस कंडीशन पे, यहाँ से हम कर्सर को भी सेट कर देंगे एज अ पॉइंटर, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो इसके ऊपर अब जैसे ही कर्सर को ले जा रहे हैं पॉइंटर के जैसे हमें क्या हो रहा है, शो हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, एक आइकन है। अब इस आइकन के लिए इस बटन के अंदर डायरेक्टली हमारे पास एक आइकन है, इसके लिए हम स्टाइलिंग ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से हीरो सेक्शन के अंदर जाएंगे और इन्फो, इसके अंदर जो हमारी BTN है, इसके अंदर जो हमारा आइकन है उसके लिए हमें क्या करना है। आइकन को अगर हम देखते हैं तो आइकन के लिए यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, इसका जो फॉन्ट है इसका फॉन्ट साइज सेम रहेगा, जो भी हमारी बटन का साइज है सेम रहने वाला है। बीच में थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए तो स्पेस को हमें कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर हम दे देंगे सबसे पहले स्पेस के लिए मार्जिन लेफ्ट साइड से देंगे तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, वो और ज़्यादा खिसक जाएगा। तो यहाँ पर 1 rem के इक्वल अराउंड 10 पिक्सल्स के इक्वल हमने क्या कर दिया, स्पेस को क्रिएट कर दिया। रिफ्रेश करेंगे तो सेम स्पेस मिल चुका है, लेकिन इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा हमें यहाँ पर क्या करना है, बढ़ाना है। तो इस कंडीशन पे यहाँ से फॉन्ट साइज हम यूज करने वाले हैं, इसको भी हम करने वाले हैं सेम 2 rem के इक्वल, सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं सेम फॉन्ट साइज और सेम तरीके से जो हमारी बटन है ये क्या हो चुकी है, यहाँ पर एड हो चुकी है। अब इसके बाद अगर आप देखते हैं तो इसके ऊपर कोई हवर इफेक्ट नहीं ऐड किया गया, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। जो हमारी बटन है तो यहाँ पर हवर इफेक्ट भी ऐड किया गया है, तो इस कंडीशन पे हम इसके ऊपर हवर इफेक्ट को भी ऐड कर सकते हैं। तो जो हमारी बटन है इसके लिए हम हवर इफेक्ट को ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर आते हैं और इसको हमने कर लिया सेलेक्ट सिंपल सा, इसके जस्ट बाद यहाँ पर हमने कर दिया पेस्ट। अब ये जो बटन है इसके ऊपर हम चाहते हैं जैसे ही हम हवर करें उस कंडीशन पे क्या चेंज होना चाहिए, जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो जाना चाहिए, ये वाला कलर हो जाना चाहिए। सेव, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, देन रिफ्रेश।
यहाँ से अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे। अब इसके ऊपर जैसे हवर कर रहे हैं उस कंडीशन पे जिसका कलर है बैकग्राउंड का, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से सेम तरीके से जो हमारी वेबसाइट है वो क्या हो चुकी है, यहाँ पर डिजाइन हो चुकी है। काफी सारी चीजें सिमिलर सी हमें यहाँ पर क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। और ज्यादा अगर आप स्पेस चाहते हैं तो और ज्यादा स्पेस को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको ऐसे ही यहाँ पर क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अगर आपको और ज्यादा स्पेस देनी है तो आप और ज्यादा स्पेस को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस और ज्यादा है तो हम इसको और ज्यादा स्पेस दे सकते हैं, तो यहाँ पर आ सकते हैं। और इसके बाद हम ऐड कर सकते हैं जो हमारी H1 हेडिंग है, H1 हेडिंग के जस्ट बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, सेम स्पेस दी गई है, तो इसके लिए हम स्पेस को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सेम चीज को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर आकर के हमने पेस्ट कर दिया। सेव करेंगे और इसे हम कर देंगे रिफ्रेश, सॉरी इसको हम रिफ्रेश करेंगे। तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं सेम तरीके से स्पेस क्या हो चुकी है, यहाँ पर भी क्रिएट हो चुकी है। आप इसको हम चेक करते हैं कि रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है। अभी यहाँ पर आप इस बटन को देख सकते हैं, रिस्पॉन्सिव नहीं है। इनपुट बॉक्स को आप देख सकते हैं, इधर से जो बॉर्डर था वो क्या हो रहा है, यहाँ से गायब हो रहा है, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, यहाँ पर 70% ही है। इस वजह से अब इसके पास यहाँ पर विड्थ ही नहीं है, तो इस कंडीशन पे क्या हो रहा है, यहाँ से गायब हो रहा है। तो यहाँ से कुछ टाइम बाद हमारी बटन पूरी की पूरी गायब हो जा रही है, तो ये जो टेक्स्ट है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ओवरलैप हो रहा है। तो इन सभी चीजों को हम क्या कर लेते हैं, रिस्पॉन्सिव भी बना लेते हैं साथ में ही। तो यहाँ पर आएंगे और इसको हम रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम रिस्पॉन्सिव करने वाले हैं और इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एट द रेट मीडिया क्वेरी को हम लेते हैं यहाँ से। और मीडिया क्वेरी के लिए हम यहाँ पर सेट करते हैं जो हमारी मैक्सिमम विड्थ होने वाली है वो क्या होनी चाहिए। अगर हमारी मैक्सिमम विड्थ, ये चेंज कब आ रहा है, जो हमारी विड्थ है अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो बटन का चेंज है ये किस कंडीशन पे देखने को मिल रहा है, इस बटन का चेंज यहाँ पर अराउंड 11 पर ही हो रहा है, लेकिन हम इसको ले लेते हैं यहाँ पर 1200 पिक्सल्स के इक्वल, इसको हम रख लेते हैं। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से जो हमारा हीरो वाला सेक्शन है उसके अंदर जो हमारी इन्फो वाली क्लास है, यानी कि जो हमारा इनपुट बॉक्स है उसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके लिए हमने क्या सेट किया हुआ है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो डिस्प्ले, यहाँ से हम डायरेक्टली इसको उठा भी सकते हैं। तो यहाँ पर अपर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जो इन्फो क्लास है इसको हमने क्या सेट किया हुआ है, जो डिस्प्ले है इसका हमने फ्लैक्स दिया हुआ है। तो सेम चीज़ को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसके बाद चीज़ों को हम सेट करते हैं। तो डिस्प्ले क्या होगा, फ्लैक्स होगा, लेकिन इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको रैप करने वाले हैं। यानी कि जैसे ही जो अवेलेबल स्पेस है, यानी ओरिजिनल जो भी हाइट एंड विड्थ दी गई है, अगर उतनी वहां पर नहीं मिल पाती है तो उस कंडीशन पे जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाने चाहिए। तो इस कंडीशन पे इसको हम फ्लैक्स रैप को सेट करने वाले हैं यहाँ से टू रैप, और इसे हमने कर दिया सेव। पेज को कर देते हैं यहाँ से रिफ्रेश। तो आप अगर अब देखते हैं यहाँ पर इसकी विड्थ को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो इस कंडीशन पे क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर विड्थ 1200 पिक्सल्स के इक्वल होती है उस कंडीशन पे जो भी हमारे एलिमेंट्स है, यानी जो बटन है, वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जा रही है। लेकिन अभी भी हमें इसको क्या करना है, कंट्रोल करना है अराउंड 400 यानी 500 पिक्सल्स के इक्वल जब हम आते हैं तो उस कंडीशन पे। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, और इसकी जो विड्थ है उसको हम सेट कर देते हैं यहाँ पर 100% के इक्वल। विड्थ को भी हम चेंज कर देंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो अब अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर फुल विड्थ इसको मिल रही है और यहाँ से इतनी चीजें हमारी क्या हो गई हैं, रिस्पॉन्सिव हो चुकी हैं। अगर आप इसको किसी डिवाइस के ऊपर ओपन करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से डिवाइस को लेने वाले हैं iPhone 12 Pro, तो इस कंडीशन पे एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हमारे सामने क्या हो रही है, डिस्प्ले होकर के आ रही है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं थोड़ा थोड़ा जो हमारी वेबसाइट है वो क्या हो चुकी है, रिस्पॉन्सिव हो चुकी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट यहाँ पर हम कुछ चीजें और भी ऐड करने वाले हैं। जैसे ही हमारी विड्थ यहाँ पर आते हैं, मीडिया क्वेरी को फिर से लेने वाले हैं एट द रेट मीडिया क्वेरी। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम सेट कर लेते हैं जब हमारी मैक्सिमम जो विड्थ है यहाँ पर 768 पिक्सल्स के इक्वल होती है
उस कंडीशन पे कुछ चेंज आने चाहिए, जैसे जो भी हमारे टेक्स्ट है उसकी जो फॉन्ट का साइज है वो कम हो जाना चाहिए। तो यहाँ से सभी को हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर आते हैं और इस हीरो सेक्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास H1 हेडिंग है, जिन जिन के अंदर हमने फॉन्ट साइज यूज किया हुआ है उन सभी को हम कंट्रोल करने वाले हैं। तो इतनी चीजों को हम लेने वाले हैं सबसे पहले, और यहाँ पर आ जाते हैं, इसको हम कर देंगे पेस्ट। तो सबसे पहले जो हमारी H1 हेडिंग है इसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज को ही हमें ऐड करना है। फॉन्ट साइज हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 3 पॉइंट यहाँ पर हमने सेट कर दिया, 3.2 rem के इक्वल इसको फॉन्ट साइज कम कर देंगे। तो यहाँ पर इसकी विड्थ को हम ला करके रोकने वाले हैं अराउंड 768 पिक्सल्स के ऊपर, या फिर उससे कम पर रोक दिया है। तो इस कंडीशन पे इसका जो फॉन्ट साइज है वो क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, जो हमारा पैराग्राफ है इसका भी जो फॉन्ट का साइज है उसको भी हम कम करने वाले हैं। तो यहाँ पर 2.4 rem के इक्वल इसका फॉन्ट साइज है, तो इसको हम कर देंगे 18 पिक्सल्स के इक्वल, 1.8 rem के इक्वल, इस प्रकार से सेव करेंगे और यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो इसका फॉन्ट साइज छोटा हो गया है। अब ये S3 जो हेडिंग है इसका भी फॉन्ट साइज हमें कम करना होगा। तो S3 हेडिंग के अंदर आते हैं और इसका जो फॉन्ट का साइज है इसको भी हम क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। डिक्रीज करने के बाद इसको हम थोड़ा सा और एक पॉइंट कम कर सकते हैं, या फिर उसी के इक्वल रख सकते हैं 1.8 rem, या फिर हम कर देते हैं 1.7 rem के इक्वल इसका फॉन्ट का साइज, ताकि थोड़ा सा छोटा दिखे ये उसकी अपेक्षा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये रिस्पॉन्सिव क्या हो चुका है, यहाँ पर बन चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से आ जाते हैं, जो हमारी बटन है उसको भी हमें कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जो बटन है उसका भी जो फॉन्ट का साइज है थोड़ा सा हम उसको भी डिक्रीज कर लेते हैं। सभी चीजों को यहाँ पर अरेंज कर देते हैं ताकि इसका लुकअप अच्छा हो। और इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी बटन के लिए। तो यहाँ पर अगर आप अपनी बटन को देखते हैं तो हीरो सेक्शन के अंदर जो हमारी बटन क्रिएट की गई है इसको हमने डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर आते हैं इसको हमने कर दिया पेस्ट। तो इसका भी फॉन्ट साइज सारी चीजें हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका जो फॉन्ट साइज है उसको हम कम कर देते हैं, फॉन्ट साइज को हमने 1.6 rem के इक्वल कर दिया। और इसके बाद इसकी जो पैडिंग है उसको भी हम थोड़ा सा कम कर देंगे, पैडिंग अराउंड हमने यहाँ पर 1.4 rem के इक्वल टॉप एंड बॉटम से सेट कर दिया, लेफ्ट एंड राइट साइड से थोड़ा सा यहाँ पर 2 rem के इक्वल हम सेट कर देंगे, सेव करेंगे और यहाँ पर आते हैं। तो इस बटन के लिए चीजें हैं, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये बटन क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। इसका जो आइकन है इसको भी हम थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं। तो इस कंडीशन पे हम आ जाते हैं यहाँ पर और हीरो सेक्शन के अंदर आएंगे। यहाँ पर जो हमारी इन्फो क्लास है इसके अंदर जो बटन है, बटन के अंदर जो आइकन है, इसका जो यहाँ पर फॉन्ट साइज है उसको हम बटन के जितना ही करेंगे, तो 1.6 rem के इक्वल इसको भी हमने सेट कर दिया और सेव करेंगे। पेज को यहाँ से करने वाले हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं इसका भी फॉन्ट का साइज क्या हो चुका है, छोटा हो चुका है आइकन का भी। अब इसके बाद आते हैं जो हमारा इनपुट एलिमेंट है। अगर आप देखते हैं तो इनपुट एलिमेंट के लिए भी यहाँ पर हम इसका फ्लेक्स बेसिस सेट करने वाले हैं कि कितना होनी चाहिए, इसकी जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से हम करने वाले हैं अपने इनपुट बॉक्स को सबसे पहले सेलेक्ट, हीरो सेक्शन, और इसके अंदर हम इन्फो क्लास के अंदर आएंगे और यहाँ से जो हमारा इनपुट एलिमेंट है, सॉरी यहाँ पर होने वाला है हमारा इनपुट एलिमेंट, और इसके लिए हमें क्या करना है, जो इनपुट एलिमेंट है सबसे पहले इसके लिए हमने सेट कर दिया फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स बेसिस को हमने यहाँ पर सेट कर दिया 50% होना चाहिए ये, और इसके बाद इसकी जो विड्थ हो जानी चाहिए वो 100% होनी चाहिए। अब सेव करेंगे और यहाँ से करेंगे रिफ्रेश। तो अभी कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन इसकी विड्थ को और ज़्यादा डिक्रीज करेंगे। तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं जो चीज़ें यहाँ पर गायब हो रही थी, जो बॉर्डर गायब हो रहा था वो क्या हो रहा है, यहाँ से अब गायब नहीं हो रहा है। अब ये क्या हो चुका है, पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव बन चुकी है। जो हमारी वेबसाइट है इसका जो हेडर पार्ट है, जो यहाँ पर होम सेक्शन है, पूरी तरीके से क्या है, रिस्पॉन्सिव है। तो अब आप इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बोल सकते हैं, क्योंकि आप इसको किसी भी डिवाइस के ऊपर अगर आप ओपन करते हैं तो उस कंडीशन पे एक अच्छे लेआउट में क्या हो रही है, ये डिस्प्ले हो रही है। जैसे आप चेक भी कर सकते हैं इस प्रकार से, जो हमारी वेबसाइट है ये क्या हो चुकी है, रिस्पॉन्सिव बन चुकी है। अब इसके बाद अगर आप एक चीज और नोटिस करते हैं इस वेबसाइट के अंदर,
तो इससे भी ज्यादा रिस्पॉन्सिव हमने इसको बनाने की कोशिश की है। अगर आप इस वेबसाइट को देखते हैं और अपनी वेबसाइट को देखते हैं तो इससे भी ज्यादा, जैसे ये चीजें यहाँ पर रिस्पॉन्सिव कम है थोड़ा सा, लेकिन हमने इसको फुल कोशिश की है रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो इस प्रकार से एक अच्छे लेआउट में हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पर बॉटम की साइड अगर आप आते हैं, जहां पर हमारा हीरो सेक्शन एंड हो रहा है, यहाँ पर आपको एक ग्रे कलर की लाइनिंग दिख रही है, तो इस लाइन को भी हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं साथ में ही। तो इसके लिए हम आ जाते हैं जिसको हम सेपरेशन बोल सकते हैं, कि ये सेपरेट कर रहा है पार्ट को। तो यहाँ पर जो हमारा हीरो सेक्शन है एंड होता है, एंड होने के बाद यहाँ पर हम देने वाले हैं सेपरेशन। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सेपरेशन, और इसके बाद ये हमारी क्या होने वाली है, सेपरेशन लाइन होने वाली है। और इसको हम एक ड्यू क्रिएट करेंगे यहाँ से, इसको हम दे देते हैं सेपरेशन नेम की क्लास। और यहाँ पर इस ड्यू के लिए इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ से हम करेक्ट कर देंगे सेपरेशन। और इस क्लास को हम सेलेक्ट करते हैं, क्लास को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर कमेंट में डाल देंगे सेपरेशन, और यहाँ पर हम कर देंगे इसको अपनी क्लास को पेस्ट। और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसकी हाइट दे देने वाले हैं, इसकी हाइट सेट कर देते हैं अराउंड 0.8 रेम के इक्वल। यहाँ से हमने इसकी हाइट सेट कर दी, और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसका बैकग्राउंड कलर हम सेट कर देते हैं यहाँ से हैश 333 के इक्वल इस प्रकार से, और इसे हम कर देंगे सेव। सेव करने के बाद यहाँ से कर देंगे पेज को रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइनिंग थी वो क्या हो चुकी है, यहाँ पर ऐड हो चुकी है। यहाँ पर इस टाइप की लाइन अगर आप देना चाहते हैं तो इसको दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर मान लीजिए मुझे ग्रे कलर की देनी है तो हम ग्रे कलर की भी ऐड कर सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर ये लाइनिंग जो है ये ग्रे कलर में क्या हो गई है, ऐड हो चुकी है, बट यहाँ पर ये ब्लैक सा कलर ही है। तो इस कंडीशन पे हम अगर चाहते हैं इसको RGBA में सेट करना, तो इस कलर को भी हम यूज कर सकते हैं। आप टेस्ट कर सकते हैं, जो भी कलर आपको सही लगे आप उसको रख सकते हैं। तो इस कलर में बिल्कुल सेम सी कलर में हमारी जो लाइनिंग है यहाँ पर क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं पूरी वेबसाइट को, तो इसका जो बॉडी वाला कलर है, यानी कि ये बैकग्राउंड जो कलर आपको डिस्प्ले हो रहा है हीरो सेक्शन के बाद, वो ब्लैक है। तो इसके लिए हम बॉडी कलर भी साथ में ही क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे और सबसे टॉप में आ जाते हैं, यहाँ पर हम लेने वाले हैं बॉडी, और इसके लिए हम बैकग्राउंड कलर यहाँ पर सेट कर देने वाले हैं ब्लैक 000 के इक्वल। इस प्रकार से सेव करेंगे और यहाँ पर पेज को करने वाले हैं रिफ्रेश। कहीं कोई चेंज नहीं आया, लेकिन यहाँ पर जो बैकग्राउंड में कलर सेट हुआ है वो अगर आप देखेंगे तो वो कैसा कलर सेट हो जाएगा, ब्लैक सा कलर यहाँ पर क्या हो गया है, सेट हो चुका है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, और इसका जो कलर है अब यहाँ पर हम चेंज कर देंगे, इसका कलर हम ब्लैक में नहीं रखेंगे, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। इस कंडीशन पे इसको हम कलर देने वाले हैं 333 के इक्वल। सेव करेंगे, पेज को यहाँ से कर लेते हैं रिफ्रेश, और आप देख सकते हैं अब ये लाइनिंग भी आपको पता चल रही है, नीचे की साइड ब्लैक कलर आ रहा है। अभी और ज्यादा कंटेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम इसको स्क्रॉल नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे ही और ज्यादा कंटेंट हम यहाँ पर ऐड करेंगे, हम इस पेज को क्या कर पाएंगे, स्क्रॉल कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो हमारी नेटफ्लिक्स की वेबसाइट का जो होम पेज है वो क्या हो चुका है, कम्प्लीट हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसके अंदर जो भी फीचर्स हैं इस सेक्शन को, इन सभी सेक्शन को हम एक एक करके क्या करने वाले हैं, कम्प्लीट करने वाले हैं, और साथ में उसको हम रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।